लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई जीवन की। जब ये अभूतपूर्व दुनिया रची जा रही थी, तब कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व इस उत्पत्ति का एक अहम हिस्सा बन गए। इन तत्वों में से एक अवयव ऐसा है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है और जो हमारे जीवन का एक अनिवार्य मूल तत्व है। इसके बिना सब सूना है। ये वो अवयव है जिसके बिना मानव जाति का अस्तित्व असंभव और अकल्पनीय है। ये है जल। जल जीवन का अमृत। मानव जाति धन्य है कि इसे पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन दुविधा ये है कि केवल 2.6% पानी ही पीने लायक है, जिसमें से 75.2% ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हुआ है और बाकी का 22.6% जल भूजल के रूप में मौजूद है। हम भूजल और वर्षा जल की सीमित उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर हैं। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 0.007% से भी कम हिस्सा पीने के लिए उपलब्ध है। आज दुनिया भर में 5 में से 1 इंसान जल संकट से पीड़ित है और सुरक्षित और साफ पेयजल से वंचित है। 3 में से 1 इंसान एक स्वच्छ और निर्मल परिवेश से वंचित है। हर 15 सेकंड में जल जनित रोग से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दुनिया भर में सिर उठाती पानी की कमी एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। 20वीं सदी में दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ी, लेकिन पानी का उपयोग 6 गुना बढ़ा। ये सभी तथ्य एक ही संभावित परिणाम की ओर इंगित करते हैं कि हम लोग तेल से पहले पानी से वंचित हो जाएंगे। आज भी लाखों लोग पानी की कुछ अनमोल बूंदों पर निर्भर रहते हैं। लंबी लंबी दूरियां तय करने के बाद छोटे बड़े मगों, बाल्टी और अन्य बर्तनों में वो पानी एकत्र कर पाते हैं, और यदि यही परिस्थिति कायम रही तो नतीजा ये होगा कि साल 2025 में 1.8 अरब लोग ऐसे देशों या क्षेत्रों में होंगे जहां पानी की भीषण तंगी रहेगी और 2/3 दुनिया की आबादी तनाव की स्थिति में होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक जनपद के समस्त ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत जल और स्वच्छता के विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। पानी जीवन का आधार है, जिसके लिए सुरक्षित पेयजल का प्रयोग करें। पानी एकत्र करने में बरती जाने वाली सावधानियां। बर्तन को जमीन से ऊपर एवं ढक कर रखें। पानी साफ करने वाले फिल्टर उपकरण का उपयोग करें। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विधियों पर भी ध्यान दें। मल को मिट्टी में दबा दें। साफ सुथरे शौचालय का प्रयोग करें। बच्चों को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। पानी इकट्ठा होने वाले स्थान पर विशेष शौचालय यानी इको सैनिटेशन का प्रयोग करें। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधियां, शौच के पश्चात साबुन से हाथ धोएं। खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोएं, नाखून काटें, चप्पल अथवा जूते पहनें। भोजन से पहले सफाई जितनी जरूरी है उतनी ही महत्वपूर्ण है खाद्य स्वास्थ्य विधियां भी। उपयोग से पहले फलों को अच्छी तरह धो लें। काटने से पूर्व सब्जियों को धोएं। खाद्य पदार्थ जमीन से ऊपर ढक कर रखें। मांस, विशेषकर सुअर का मांस, अच्छी तरह से उबालें। ठोस अवशिष्ट को अलग कर पुनः उपयोग करें।
बेकार का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, पशुओं के अवशिष्ट को कंपोस्ट विधि से निपटाएं, पॉलीथीन का प्रयोग न करके पेपर एवं कपड़े का बैग प्रयोग करें, तरल अपशिष्ट नालियों को साफ रखें, उपयोग किए हुए पानी का बागीचे में उपयोग करें, दूषित पानी के निस्तारण का मार्ग सोखता गड्ढे में प्रबंध करें, पानी को इकट्ठा न होने दें। आप जो कर रहे हैं उससे पता है कितना बड़ा नुकसान होगा? नुकसान? मैं तो घर की सफाई करके कचरा बाहर फेंक रहा हूँ। अरे बुधवा जी, जो पानी हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका स्रोत है ये तालाब। यदि ये तालाब गंदा होगा तो हैंडपंप से जो पानी बाहर आता है वो भी गंदा होगा, जिससे परिवार को हैजा, पीलिया, दस्त जैसी बीमारियां हो सकती है। है ना ये बड़ा नुकसान? ये गलती दोबारा नहीं होगी मास्टर जी, अब हम सब कचरा कंपोस्ट में ही डालेंगे। साफ पानी सबकी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर पेयजल एवं स्वच्छता मेले का आयोजन। स्वच्छता अपनाइए, बीमारियां भगाइए की पंचलाइन के साथ स्वच्छता के 7 घटक निर्धारित किए गए हैं। 1, मानव मल का सुरक्षित निपटान। 2, व्यक्तिगत स्वच्छता। 3, पीने के पानी का रखरखाव। 4, घर एवं भोजन की स्वच्छता। 5, बेकार पानी की निकासी। 6, कूड़े करकट का सुरक्षित निपटान। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक जनपदों के समस्त ग्राम पंचायतों में जल गुणवत्ता पर व्यक्तिगत संवाद से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि जल जांच के बाद लाल रंग से रंगे जा चुके इंडिया मार्क 2 हैंडपंप का पानी आर्सेनिक युक्त है, जो कि भोजन बनाने और पीने योग्य नहीं है। इस कड़ी में जल जांच के बाद नीले रंग से रंगे हुए इंडिया मार्क 2 हैंडपंप का पानी आर्सेनिक मुक्त है, जो कि सभी कार्य के योग्य है। रोकना पड़ेगा। हाँ देखो ना कैसे लड़ रहे हैं। अरे इधर इधर, बच्चों को बाद में रोक सकते हैं, पर इन दरारों को जल्दी से ठीक करना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गंदा पानी अंदर चला जाएगा। हाँ अंदर जाकर ये जमीन के पानी से मिलकर उसे भी गंदा कर देगा, और असुरक्षित पानी हैंडपंप से बाहर आएगा, जिसके इस्तेमाल से हम सब बीमार पड़ सकते हैं। चलो अभी इन दरारों को बंद करवाते हैं। अरे भैया अच्छे से कर दो भैया। एक दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ देना। अच्छा पक्का हो जाएगा। क्यों जी, लड़ाई खत्म। साफ पानी सबकी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं सफाई हेतु विभिन्न रंगों के माध्यम से सामाजिक मानचित्रण द्वारा सोशल मैपिंग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। स्वच्छता का सीधा संबंध स्वच्छ वातावरण अर्थात अच्छे स्वास्थ्य से है। क्या आप जानते हैं, शौच के बाद तथा खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने पर जल एवं मानव मल से होने वाले रोगों में 40% की कमी लाई जा सकती है। मेरे मुन्ने का भी दस्त ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया उसको। क्या बताऊँ, मेरे छोटू को भी दस्त हो गया। चलो आज शाम के साथ ही डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ हाँ चलो आज शाम को ही चलते हैं, किसी भी तरह अपने बच्चों के दस्त ठीक करा कर ही रहेंगे। विश्व में डायरिया से प्रति वर्ष 25 लाख लोगों की मृत्यु होती है। भारत में डायरिया से प्रति वर्ष 6 लाख से 7 लाख लोगों की मृत्यु होती है। भारत में प्रतिवर्ष 60,000 लोगों की मृत्यु राउंड वर्म से होती है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 65,000 की मृत्यु हुक वर्म से होती है। बच्चों की 10 जानलेवा बीमारियों में से प्रमुख 5 बीमारियां जल एवं स्वच्छता से जुड़ी हैं। 1 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में 20% बच्चों की मृत्यु टाइफाइड, पेचिश, हैजा, पीलिया,
व मलेरिया के कारण होती है। स्कूल में स्वच्छता सुविधाएं न होने के कारण मात्र 42% लड़कियां 8वीं कक्षा में पहुंच पाती हैं। भारत में 65% से अधिक व्यक्ति खुले में शौच करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बैठक एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ जल की मांग में आने वाली बाधाओं की योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु हैं: जल स्रोत का निर्माण करने हेतु संसाधनों की कमी, विकल्पों के प्रति जागरूकता की कमी, स्वच्छ पेयजल के संबंध में रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की सीमित क्षमता, व्यक्तिगत रूप से थका देने वाला एवं सामूहिक रूप से संकोची पीने का अस्वच्छ स्रोत, स्वच्छ पेयजल के संबंध में जागरूकता की कमी, अधिकांश गांवों में BWMC अकार्यशील अवस्था में है। पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के अंतर्गत जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर मातृ समूह क्षमता वृद्धि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें बातचीत की कला और बातचीत का ढंग सुधारने के तरीकों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन और वीडियो शो के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन। अरे, यहाँ तो कीटाणु भरे पड़े हैं। यहाँ ही क्यों, हमारे हाथों और पैरों में भी कीटाणु भरे पड़े हैं। खेलने के दौरान हाथ और पैर दोनों गंदे हो जाते हैं। यह देखो, कुछ इस तरह से। हमारे नाखून में भी कितने कीटाणु भरे पड़े हैं। हाँ, इन्हें नियमित रूप से काटना और साफ करना चाहिए। अच्छा, अब समझी। अगर हम खाना बिना साबुन या साफ रख के बिना धो के खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता संबंधी कल्चरल एक्टिविटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार की जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES नामक बीमारी एवं संक्रमित पेयजल के कारण होती है। इसके साथ ही संक्रमित मच्छर के काटने से स्वस्थ बच्चे के शरीर में दिमागी बुखार का वायरस पहुंच जाता है और बच्चे में बीमारी के लक्षण जैसे सरदर्द के साथ ही बुखार इत्यादि दिखाई देने लगता है। पेयजल एवं स्वच्छता संगठन उत्तर प्रदेश राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तभी कामयाब हो पाएगा जब ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति इस जागरूकता कार्यक्रम को अपनी दिनचर्या में ईमानदारी के साथ उतारने का प्रयास करे। तो फिर सोचना क्या, स्वच्छता अपनाइए, बीमारियां भगाइए, ताकि एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सके।